कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 32वीं किस्त सुलेमानी अंगूठी का पहला हिस्सा। नाग गार की सीढ़ियां उतरकर मकबरे में आ गया। अंबर और मारिया के साथ वो एक बार इस मकबरे को देख चुका था। उसे ये भी मालूम था कि इस मकबरे में हजार बरस पहले के एक बादशाह और एक मलका की कब्रें हैं। बादशाह को उसके गद्दार वजीर ने साजिश करके कत्ल कर दिया था और उसकी मलका अपने बादशाह की कब्र पर रोते रोते उसके गम में मर गई थी। अब चांदनी रातों में मलका की बेचैन रूह मकबरे में आकर बैन किया करती थी। सारी बातें सोचते हुए नाग मकबरे के अंदर एक जगह रुककर चारों तरफ देखने लगा। अब वो उस जगह आ गया जहां एक चबूतरे पर बादशाह और मलका दोनों की कब्रें बनी हुई थी। नाग ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसे यूं लगा था जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। ये उसका वहम था। मकबरे में हर तरफ सन्नाटा था, गहरी खामोशी छाई थी, किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कब्रों के करीब आकर नाग ने कब्रों के साथ लगे हुए पत्थरों को गौर से देखा। वहां जो कुछ हजार बरस पहले खुदा हुआ था वो मिट चुका था। कब्रों के पहलू में एक छोटा सा रास्ता दीवार के साथ अंदर को जा रहा था। नाग पहले कभी इस रास्ते पर नहीं गया था। उसने ख्याल किया कि हो सकता है मारिया अंदर आई हो और वो इस रास्ते पर से होकर आगे निकल गई हो। ये भी देखना चाहिए कि ये रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है या किसी तरफ को निकलता है। नाग मारिया बहन की तलाश में बड़ी सोच विचार से काम ले रहा था। उसको जोश भी था मगर वो होश भी रखता था। वो दीवार के साथ साथ होकर तंग रास्ते पर चल दिया। ये रास्ता आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गया। नाग भी उसी तरफ घूम गया। यहाँ गार की छत नीची हो गई थी और नाग को सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। चलते चलते वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां मारिया को भूत की आवाज आई थी। नाग अपनी जगह पर खामोश होकर खड़ा हो गया और गौर करने लगा कि इस मकबरे में यह रास्ता किधर को जा निकलता है। आगे अंधेरा गहरा हो रहा था। नाग ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए, कहीं मारिया वहां तो किसी मुसीबत में नहीं फंस गई। उसका दिल कह रहा था कि मारिया इसी मकबरे में किसी जगह पर है। भाई को बहन की खुशबू आने लगी। नाग अभी दो कदम ही चला होगा कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो एकदम रुक गया और दीवार के साथ लगकर सुनने लगा कि यह आवाज कैसी है। यह आवाज उसी भूत की थी जो पांव घसीटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। भूत को एहसास हो गया कि कोई आदमी मकबरे में घुस आया है। इंसानों का यह भूत जानी दुश्मन था और उन्हें मारिया की तरह पत्थर बनाकर ताबूतों में बंद करना चाहता था। पांव घिसट घिसट कर चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नाग ने अंदाजा लगाया कि आवाज गार के अगले हिस्से की जानिब से आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। नाग को ख्याल आया कि हो सकता है ये कोई आसेब हो, कोई भूत प्रेत या कोई रूह। इसलिए बेहतर यही है कि वो इंसान की जौन बदलकर जानवर बन जाए। इस ख्याल के साथ ही नाग ने आंखें बंद करके सांस अंदर सीने में खींच लिया। पांव के घसीटने की आवाज ज्यादा करीब आ गई। नाग ने आहिस्ता से फनकार मारी और सांप बन गया। सांप बनकर वो गार की दीवार पर चढ़ा और रिंगता हुआ एक तरफ अंधेरे में छुपकर देखने लगा कि आवाज किसकी है और कौन आ रहा है। अब आवाज के साथ एक दहशतनाक आवाज भी शामिल हो गई। तुम बचकर नहीं जाओगे, तुम आ गए हो तो अब आ जाओ, मैं तुम्हें सुला दूंगा, हमेशा के लिए सुला दूंगा। नाग सांप बना तो एक बार काम किया। आवाज में बड़ी दहशत थी, ऐसे लगता था जैसे कोई भूत बड़ी तकलीफ में बोल रहा है। सांप अब इंतजार करने लगा कि वो अब अपनी आंखों से भूत को देखेगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अब हर शय को साफ साफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सांप ने देखा कि एक धुएं का इंसान नुमा गोला गार में से उसी तरफ बढ़ा रहा है जहां नाग थोड़ी देर पहले खड़ा था। वो हैरानी से धुएं के उस गोले को देखने लगा जिसकी शक्ल किसी ऐसे इंसान से मिलती जुलती थी जिसका कद बहुत बड़ा हो और जिसके सर पर दो लंबे लंबे सींग हो। वो समझ गया कि ये इस मकबरे का भूत है। भूत ठीक नाग की जगह पर आकर रुक गया। धुएं का गोला इधर उधर घूमकर देखने लगा कि जिस इंसान की उसको बू आती थी वो कहाँ है। भूत ने एक कहका लगाया। उसका कहका बड़ा डरावना था जिसकी आवाज देर तक गार के अंदर गूंजती रही। तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते, मैं अभी तुम्हें तलाश कर लूंगा, मैं भूत हूं, मैं तुम्हें काबू करके छोड़ूंगा। भूत ने जोर से फूंक मारी। उसके मुंह से आग का शोला निकला जिसने गार की दीवार को चाटना शुरू कर दिया। सांप जल्दी से रेंगता हुआ छत पर चला गया। भूत का शोला दीवारों को चाटता रहा, फिर शोला बुझ गया। भूत ने एक कहका और लगाकर कहा, तुम भस्म हो गए हो, तुम मेरी आग में जलकर खाक बन गए हो। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हें हलाक कर दिया। सांप बड़ा खुश हुआ कि भूत धोखा खा गया। वो छत से चिमटा हुआ था रिंग कर दीवार पर आया। दीवार अभी तक गर्म थी।
वो दीवार में उभरे हुए एक बड़े से पत्थर की ओट में छुप गया। भूत ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। वो बड़ी आजादी के साथ मकबरे की कब्रों के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पांव घिसट घिसट कर चल रहा था। चक्कर लगाते लगाते वो मलका की कब्र के पास आकर रुक गया। उसने लंबा हाथ बढ़ाकर कब्र के पहलू में से पत्थर की एक सिल उतार कर परे फेंक दी। वहां एक शगाफ था। भूत ने शगाफ के अंदर हाथ डाला और मिट्टी का एक मर्तबान निकालकर बाहर रख दिया। उस मर्तबान के ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ था। सांप ये सब कुछ देख रहा था और हैरान हो रहा था कि भूत मटके में से क्या निकालने वाला है। भूत ने मटके के ऊपर झुककर कहका लगाकर कहा, ए मलका की बेचैन रूह, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? नाग फौरन जान गया कि भूत ने मलका की रूह को मर्तबान के अंदर कैद कर रखा है। सांप होने की वजह से वो इतना जानता था कि भूतों में इतनी ताकत होती है कि वो भटकती हुई रूहों को जिस जगह चाहे कैद करके रख लें। भूत ने कहका लगाकर फिर अपना सवाल दोहराया, ऐ बदनसीब मलका की रूह, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? मर्तबान के अंदर से मलका की भटकती हुई रूह की उदास आवाज सुनाई दी। उस आवाज में आजजी और रहम की दरख्वास्त थी। ऐ भूत, मुझ पर रहम कर और मुझे आजाद कर दे, इस मटके के अंदर मेरा दम घुटता जाता है। भूत ने जोर से कहका लगाकर कहा, बदनसीब मलका, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे उसकी मौत का बदला लूंगा। तुम कयामत तक इस छोटे से मर्तबान में कैद रहोगी। मलका की रूह ने आजजी से कहा, ऐ भूत, मैंने जान बचकर तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगी। भूत ने सख्त गुस्से में आकर कहा, खामोश बदनसीब रूह, तुमने जानबूझकर किया है या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर तुम्हारी वजह से उसकी मौत हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मलका की रूह ने कहा, ऐ भूत, मुझ पर तरस खाओ, मैं पहले एक गमजदा भटकी हुई रूह हूं और अपने बादशाह की रूह की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। मेरे बादशाह को 1000 बरस पहले कत्ल कर दिया गया था। वो भी बदकिस्मत था, मैं भी बदकिस्मत हूँ कि अपने खामन से बिछड़ कर 1000 साल से उसकी रूह को तलाश करती फिर रही हूँ। भूत ने चीख कर कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या मैंने तुम्हारे बादशाह को कत्ल किया था? अगर मैंने तुम्हारे बादशाह को कत्ल नहीं किया तो फिर तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? बस अब बकवास बंद कर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मलका की रूह ने कहा, ऐ आसमानों के मालिक, मेरी फरियाद सुन, मुझ पर रहम कर और मुझे उस भूत के जुल्म से निजात दिला। इस पर भूत को सख्त गुस्सा आ गया। उसने कड़क कर कहा, खामोश बदबख्त मलका, अगर तूने फिर खुदा का नाम लिया तो मैं तुम्हें फूंक मारकर भस्म कर दूंगा और तू आसमानों से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब तो तुम्हें उम्मीद है कि शायद तेरे बादशाह की रूह कभी मिल जाए, फिर ये उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मलका की रूह ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना, अब मैं किसी के आगे फरियाद ना करूंगी, अब मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकारूंगी। मैं वादा करती हूं, तुम बेशक क़यामत तक मुझे इस मर्तबान में बंद रखो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। भूत खिलखिलाकर बोला, हाँ अब आई हो तुम सीधे रास्ते पर, बस अब खबरदार आइंदा कभी मेरे सामने अपने खुदा का नाम मत लेना, मैं जा रहा हूँ। और भूत मट्टी के मर्तबान को मकबरे के शिगाफ के अंदर रखा, बाहर पत्थर की सिल झड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता पाँव घसीटता वापस जिधर से आया था उधर को चला गया। नाग ने यह सारा तमाशा अपनी लाल लाल आंखों से पूरी तरह देखा। भूत चला गया तो नाग चुपके से छत पर से रींगकर नीचे फर्श पर आया। वो अभी इंसान के रूप में नहीं आना चाहता था क्योंकि भूत के फिर आने का खतरा था। वो नाग को इंसान की शक्ल में नुकसान पहुंचा सकता था। सांप मकबरे से रींगता हुआ गार के दरवाजे पर आ गया। गार से उसने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार की और वापस शाही महल में आ गया। भूत मकबरे के दालान में से गुजरकर दीवार के शगाफ में चौकर उस कोठली में आया जहां मारिया ताबूत के अंदर पत्थर बनी लेटी हुई थी। मारिया कई रोज से इस ताबूत में पत्थर की मौत बनी पड़ी थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो सो भी रही है और जाग भी रही है। उसका सारा बदन पत्थर बन गया था मगर आंखें हरकत कर रही थी और कोठली की छत को देख रही थी। वो सुन भी रही थी मगर ना हिल सकती थी और ना कोई लफ्ज जुबान से अदा कर सकती थी। उसे भूत के पांव घिसट घिसट कर चलने की दूर से आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि भूत उसी तरफ आ रहा है। वो सिवाय ताबूत में बेहिस पत्थर बनकर पड़ी रहने के और कुछ नहीं कर सकती थी और वो पत्थर बनी पड़ी रही। पांव की आवाज करीब आ गई। फिर मारिया ने अपने ऊपर एक सफेद गोले को झुके हुए देखा जिसमें से दो सुर्ख अंगारा आंखें उसे घूर रही थी। ये भूत की आंखें थी। भूत ने एक खौफनाक कहका लगाया और मारिया सहम गई। सुनो, तुम्हारा अंजाम इसी ताबूत में आएगा। क्यामत के रोज तक तुम इस ताबूत में पड़ी रहोगी। मैंने मलका की रूह को भी कैद कर रखा है, वो भी क्यामत तक कैद रहेगी। मुझे आज मकरबे में किसी और इंसान की बू आई थी मगर वो शायद बचकर निकल गया। मारिया का माथा ठनका। उस मकबरे में अगर कोई इंसान आया तो वो जरूर अंबर या नाग होगा। वो जरूर मारिया की तलाश में आया होगा। खुदा का शुक्र है कि वो इस खौफनाक बला से बचकर चला गया, नहीं तो इसका अंजाम भी यही होता कि किसी कोठली के ताबूत में पत्थर बनाकर लिटा दिया जाता। मारिया को खुशी हुई कि नाग भाई उसे तलाश करता करता मकबरे तक पहुंच गया। भूत बोले जा रहा था, अगर वो इंसान फिर इस मकबरे में आया तो मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। इस बार वो मुझे धोखा देकर जान बचाकर चला गया।
दूसरी बार मैं इसे उतनी मोहलत नहीं दूंगा। मैं उसे पत्थर बनाकर ताबूत में कैद कर दूंगा, जिस तरह मैंने तुम्हें पत्थर बनाकर कैद कर रखा है। मारिया भूत की लाल लाल अंगारा आंखों को देखे जा रही थी। वो उसे जवाब देना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। वो मजबूर थी, बेबस थी, बेहिस थी, जिंदा होते हुए भी मुर्दा थी। भूत ने एक मरतबा फिर कहका लगाया और उसी तरह पांव को घसीटता कोठली में से निकल गया। अपने पीछे वो दीवार के शगाव की पत्थर के सिल से बंद करता गया। मारिया के दिल में अचानक एक ख्याल आया कि अगर भूत है तो फिर इसे दीवार की सिल उतार कर अंदर आने की क्या जरूरत है। भूत तो दीवार में से आर पार होकर गुजर जाता है, दीवार उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। फिर ये भूत कैसा है कि पत्थर हटाकर इसे कोठड़ी में आना पड़ता है। कहीं ये इंसान तो नहीं जिसने भूत का ढोंग रचा रखा है। ये एक अनोखा ख्याल था जो मारिया के दिमाग में आया। अब वो ख्याल करने लगी कि भूत की आंखों में इंसानी आंखों जैसी चमक है। वो आंखें किसी सांप की आंखों से मिलती जुलती हैं। उसकी आवाज़ भी किसी गैबी रूह या भूत की आवाज़ नहीं लगती बल्कि इंसान की आवाज़ से मिलती है। तो क्या ये भूत कोई इंसान है? तो फिर इसने मलका की रूह को कैसे काबू कर रखा है? हो सकता है ये कोई बड़ा अयार जादूगर हो और जादू के जोर से इसने रूह को काबू कर लिया हो और मकबरे में आने वाले इंसानों को जादू ही के जोर से पत्थर बना देता हो। मगर सवाल ये था कि वो आखिर ऐसा करता क्यों है? हो सकता है वो कुछ अरसे बाद ताबूत की जिंदा लाशों को फिर से इंसान बनाकर भून कर खा जाता हो और ये कोई आदमखोर वहशी हो जिसको इंसानों की तकलीफ पर खुश होने की आदत पड़ गई हो। मारिया इसी किस्म की बातें सोचती रही और ताबूत में लेटी रही। नाग शाही महल में आ गया। उसका इरादा था कि एक बार फिर पुरिसरार आवाज वाले एक मकबरे में जाए और मारिया बहन को तलाश करे, मगर इस दफा वो पूरी तरह से तैयार होकर जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मकबरे का भूत उस पर हमला कर दे। उसे शक पड़ चुका था कि हो ना हो मारिया जरूर उसी मकबरे में किसी जगह कैद कर दी गई है, क्योंकि वो और किसी कहीं नहीं जा सकती थी। मकबरे में जाने का उसे शौक था। वो मकबरे में आई होगी और भूत ने उसे कैद कर लिया होगा। नाग मलका की रूह को भी मर्तबान से निकालकर आजाद कर देना चाहता था। वो ऐसा करते हुए डरता भी था कि कहीं मलका की रूह उल्टा उसको ही ना चिमट जाए, क्योंकि रूहों के बारे में उसने सुन रखा था कि भटकने वाली रूहों का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी वक्त भी अपना इरादा बदलकर हमला कर सकती हैं। इधर नागपुर इसरार मकबरे में जाकर तलाशी लेने की तैयारियां कर रहा था और उधर मारिया बेचारी पत्थर बनी ताबूत के अंदर लेटी थी। अंबर हबशा के शहर में काले इल्म वाले जादूगर को मारकर जंगल में उसी के झोंपड़े में जापान जाने वाले जहाज की राह देख रहा था। अब हम नाग और मारिया को तो जापान के शहर टोक्योशो में छोड़ते हैं और जरा पीछे चलकर अंबर की खबर लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। अंबर सारा दिन तो हबशा शहर में आवारागर्दी करता रहता और शाम को जंगल वाले जादूगर की झोंपड़ी में आकर पड़ रहता। वो अब इंतजार करते करते तंग आ गया था और जल्द से जल्द वापस अपने भाई नाग और बहन मारिया के पास जाना चाहता था, लेकिन कमबख्त जिस जहाज को जापान की तरफ रवाना होता था वो आ ही नहीं रहा था। हर हालत में उसे इंतजार जरूर करना था और वो मजबूरन इंतजार कर रहा था। जिस जंगल में अंबर रह रहा था वो शहर के करीबी से शुरू होकर छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान दूर दरिया तक फैला हुआ था। शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, आबादी कम थी। दो चार बाजार थे जिनमें अफ्रीका के काले हबशियों ने दुकानें खोल रखी थी। अंबर एक रोज हबशा के एक छते हुए बाजार में से गुजर रहा था। उस बाजार के ऊपर छत पड़ी थी। हबशा गर्म शहर था, शहर में गर्मी पड़ रही थी, ये छता हुआ बाजार ठंडा ठंडा था। अंबर को उस बाजार में से गुजरते बड़ा लुत्फ आ रहा था। उसने देखा कि बाजार आगे चलकर एक गली में घूम गया है। उस गली में भी रेशमी कपड़ों और गर्म मसालों और खुश्क फलों की दुकानें थी। अंबर गली में दूर तक निकल गया। ये एक गली एक जगह पहुंचकर घूम गई और सामने एक तालाब के किनारे इमली के गुंजान दरख्तों का एक झुंड था। झुंड के एक मकान की सिर्फ छत नजर आ रही थी। अंबर को यूं ही ख्याल आया कि इस मकान को देखना चाहिए, ये कोई बड़ा पुरिसरार मकान दिखाई देता है, चलकर मालूम किया जाए कि यहाँ कौन रहता है। अंबर गली में से निकलकर तालाब के किनारे किनारे चलता इमली के दरख्तों के पास आ गया। यहाँ कांटेदार झाड़ियों की एक बाड़ लगी हुई थी। सामने एक लकड़ी का जंगला था, जंगले का दरवाजा बंद था। सामने एक खौफनाक मुंह वाला कुत्ता। अंबर ने जंगले को ऊपर चढ़कर फलांगा और पुरिसरार मकान के बाएं भाग में आ गया। घास जमीन पर बेतहाशा उगी हुई थी और मालूम होता था कि किसी ने एक मुद्दत से घास को नहीं काटा। घास के दरमियान से एक पगडंडी मकान के दरवाजे तक चली गई थी। अंबर पगडंडी पर चलने लगा। दाएं बाएं दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं बैठा था। बड़ी गहरी खामोशी छाई थी। अंबर ने ख्याल किया कि इन दरख्तों के परिंदे कहाँ चले गए। एक दरख्त के करीब से गुजरते हुए अंबर रुक गया। उस दरख्त पर किसी इंसान की खोपड़ी कील से ठोंकी हुई थी। अंबर को ताज्जुब हुआ कि खोपड़ी किस लिए यहाँ ठोंक दी गई, क्या यहाँ जादू किया गया है। फिजा ज्यादा ही पुरिसरार होती जा रही थी। मकान के दरवाजे को इर्द गिर्द उगी हुई जंगली झाड़ियों ने आधे से ज्यादा ढांप रखा था। अंबर ने मकान के चारों तरफ घूमकर जायजा लिया कि वहां क्या क्या है। मकान के इर्द गिर्द जंगली घास का मैदान था और दरख्तों के झुंड थे, पेड़ ही पेड़ थे।
पेड़ों ने तो आधे मकान पर अपनी टहनियां फैला रखी थी। अंबर पलटकर वापस मकान के दरवाजे पर आ गया। मकान की पिछली जानिब सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी। मकान के सामने रुख पर भी जितनी खिड़कियां थी वो सब की सब बंद थी। अंबर दरवाजे पर खड़ा होकर सोचने लगा कि वो अंदर जाए या ना जाए। बचपन ही से उसको राज मालूम करने की बड़ी लगन रही थी। वो इस पुरेसरार खामोश मकान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था कि इसके अंदर क्या है और क्यों है। इतना बड़ा मकान वीरान क्यों है? उस मकान के रहने वाले कहाँ चले गए? उन्हें कौन सी मुसीबत अपने साथ ले गई? इस किस्म के ख्याल अंबर के दिमाग में चल रहे थे। उसने खुदा का नाम लेकर दरवाजे पर सबसे पहले दस्तक दी। इस ख्याल से कि किसी के घर में बिना इजाजत दाखिल होना बुरी बात है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई रहता हो। दस्तक का कोई जवाब ना आया। अंबर ने दूसरी, तीसरी, चौथी और बार बार दस्तक दी, मगर अंदर से किसी ने दरवाजा ना खोला। अब अंबर के लिए और कोई चारा ना था कि वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो। अंबर ने आगे बढ़कर दरवाजे को ऐसा से धक्का दिया। दरवाजा तो जैसे अंदर से किसी ने सख्ती से बंद कर रखा था। अंबर ने बेहद कोशिश की, उसे जोर लगा लगा कर पसीना आ गया, मगर दरवाजा तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। यूं लगता था कि दरवाजे के पीछे पत्थरों की दीवार चुन दी गई है। अंबर के दिल में अंदर जाकर राज मालूम करने का शौक और बढ़ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया कि ख्वाह दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मकान के अंदर जाकर ही छोड़ेगा। उसने मकान के गिर्द फिरकर उसका फिर से जायजा लिया। वो कोई ऐसी जगह देखना चाहता था जहां से वो कूदकर मकान के अंदर दाखिल हो सके। खिड़कियां सारी की सारी बंद थी, ऊपर खिड़की पर चढ़ने का भी कोई जरिया ना था। आखिर अंबर को एक तरकीब सूझी। वो एक ऐसे दरख्त पर चढ़ गया जिसकी टहनियां मकान की छत पर झुकी हुई थी। दरख्त की शाखों से होता मकान की छत पर आ गया। ढलानी छत पर वो बड़ी एहतियात से कदम रखता दरमियान में उस जगह पहुंच गया जहां एक चौकोर रोशनदान बना था। उस रोशनदान को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया गया। अंबर ने दो तीन हाथ जोर से मारे तो एक जगह से लकड़ी का तख्ता उखड़ गया। उसने तख्ते को बाहर खींच लिया और ऊपर से नीचे कमरे में झांक कर देखा। कमरे में जो शय सबसे पहले उसे नजर आई वो नीले रंग का एक कीमती कालीन था जो फर्श पर बिछा था। एक अजीब शय ये थी कि रोशनदान से लेकर नीचे फर्श पर बिछा हुआ था। वो सोच में पड़ गया कि यह अजीब मामला है कि रोशनदान से सीढ़ी नीचे जा रही है। ये किस मकसद के लिए मालिक मकान ने लटकाई थी? बहरहाल अब वो इस मकान की सैर किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। जान का खतरा तो उसे था ही नहीं, तो फिर क्यों ना इस पुरेसरार मकान का राज हल किया जाए। अंबर ने खुदा का नाम लिया, रोशनदान में से अंदर दाखिल होकर रस्सी की सीढ़ी पर पांव रखा और नीचे उतरना शुरू कर दिया। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, सिर्फ उसी रोशनदान से रोशनी आ रही थी। उसके अलावा बंद खिड़कियों की दर्जों में से भी हल्की हल्की रोशनी की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी। अंबर सीढ़ी उतरकर कालीन पर आ गया। मध्यम रोशनी में उसने देखा कि कमरा बड़ी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था, मगर हर शय पर गर्द पड़ी थी। साफ मालूम हो रहा था कि साला साल से यहाँ कोई शख्स भी रहने के लिए नहीं आया। दीवारों पर भी रेशमी कीमती कालीन लटक रहे थे। दरवाजे पर कम ख्वाब का पर्दा पड़ा हुआ था। सुंबल से भरे हुए नरम नरम तकिए एक मोर की शक्ल के दीवान पर रखे थे। तांबे की तपाई पर चीनी मिट्टी का गुलदान पड़ा हुआ था जो बहुत कीमती था, जिसके फूल मुरझा कर सूख गए थे। हाथी दांत के एक ऊंचे तख्त पर शीशे के गिलास पाश रखे हुए थे। सुर्ख पत्थर के बने हुए फूलों में उदो लोबान सुलगाने के लिए जगह बनाई गई थी। कमरे की फिजा में ऐसी बू रची हुई थी जिस किस्म की बू अंबर ने कभी फिरौने मिस्र के मकबरों में सूंघी थी। अंबर का जहन एकदम 2000 बरस पहले के अहरामे मिस्र की तरफ चला गया। बिल्कुल उसी तरह की बू उस कमरे से आ रही थी। वो सोचने लगा कि या खुदा, ये क्या मामला है? यहाँ फिरौने मिस्र के वक्त की खुशबू कहाँ से आ गई? उसने चल फिर कर कमरे को देखना शुरू किया। एक दरवाजे का पर्दा हटाया तो उसमें से गर्द उठी। गर्द हर शय पर पड़ी हुई थी। पर्दे के पीछे एक और कमरा था जहाँ रोशनी बहुत ही कम थी, बल्कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अंबर ने तपाई पर रखी हुई मोमबत्ती उठाकर उसे जलाया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि उस कमरे में भी नीले रंग का एक कालीन पड़ा हुआ था। दीवार के साथ सामने की तरफ हाथी दांत की तपाई रखी थी। अंबर तपाई के पास आया तो हैरान रह गया। तपाई पर मलका नफरीती, जो कि 2500 बरस पहले मिस्र के एक फिरौन की बीवी थी, उसका छोटा सा बुत रखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पुरेसरार मकान का ताल्लुक जरूर पुराने मिस्र के फिरौनों से है। लेकिन इस मकान का अहराम मिस्र से क्या ताल्लुक था? अंबर इसी राज पर से पर्दा उठाना चाहता था। वो मोमबत्ती की रोशनी में जरा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाजा खुला। यहाँ से सीढ़ियां नीचे तहखाने को उतरती थीं। अंबर को किसी किस्म का खौफ नहीं था, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती थी और जख्मी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा किया गया था। यही वजह थी कि वो बड़ी जरूरत और हिम्मत के साथ उन सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगा। थोड़ी नीचे जाकर सीढ़ियां खत्म हो गईं और तहखाने का रास्ता बाएं तरफ मुड़ गया। अंबर भी उसी तरफ घूम गया। आगे जाकर एक दरवाजा आ गया जिस पर लोहे की जंजीर पड़ी थी। अंबर ने जंजीर को गौर से देखा। जंजीर के साथ कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ वो बाहर से बल देकर मजबूती से कस दी गई। अंबर ने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए, इस ख्याल से कि अंदर से कोई आवाज तो नहीं आ रही।
मगर अंदर गहरा सन्नाटा तारी था। अंबर के दिल में जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई कि अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहां कौन सा राज है। उसने जंजीर को खोलना शुरू कर दिया। जब सारी जंजीर खोलकर अलग हो गई तो अंबर ने आहिस्ता से दरवाजे के एक पट को अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर से अहरामे मिस्र के मकबरों वाली बू का ठंडा झोंका आया। अंबर एकदम पीछे हट गया। या खुदा, ये अंदर कोई मिस्री मम्मी दफन है, क्योंकि बू उन दवाओं की थी जिन्हें मिस्री बादशाहों और शहजादियों की लाशों को हनूत करते वक्त लगाया जाता था। अंबर का बाप भी यही काम करता था। अंबर इस बू से पूरी तरह वाकिफ था। वो अपने आप को कोठली के अंदर दाखिल होने से ना रोक सका। मोमबत्ती की रोशनी में वो कोठली के अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि छोटी सी कोठली है, छत नीची है जिस तरह के अहराम मिस्र की होती है। दरमियान में एक चबूतरे पर एक ताबूत रखा है जिसके बाहर लकड़ी से मशहूर मलका मिस्र सलाम्बू का चेहरा बना हुआ था। अंबर ने 2500 साल पहले मिस्र की मलका सलाम्बू का जमाना देखा था। ये एक बड़ी जाबिर और संग दिल मलका थी। वो इंसानों का बेदरेग खून बहाया करती थी। वो जंग में पकड़े हुए कैदियों को अपनी आंखों के सामने भूखे शेरों के आगे डालकर उनकी अजियतनाक मौत का मंजर देखा करती थी। उसे उसके सिपा सलार ने जहर देकर मार डाला था। अंबर बड़ा हैरान था कि मलका सलाम्बू तो 2500 बरस पहले मिस्र के एक अहराम में दफन हुई थी, फिर उसका ताबूत यहाँ कैसे आ गया। वो खुद मिस्र का था। वो फिरौन मिस्र के महल में पैदा हुआ था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि इस किस्म के ताबूत में जिस इंसान की लाश यानी मम्मी होती है उसकी शक्ल ताबूत के बाहर बना दी जाती है। तो क्या इस ताबूत के अंदर मिस्र की जाबिर और जालिम मलका सलाम्बू की लाश थी। अगर अंबर को ये यकीन होता कि वो मर जाएगा तो कभी इस कोठड़ी में आने की हिम्मत ना करता, लेकिन उसे यकीन था कि वो मर नहीं सकता। उसे ऐसी दुआ या बददुआ दी गई है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया। लोग पैदा होंगे और बूढ़े होकर मर जाएंगे। बादशाह तख्त पर बैठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सल्तनतें आएंगी, उजड़ जाएंगी। एक दौर आएगा और गुजर जाएगा, मगर वो जिंदा रहेगा। वो ना बूढ़ा होगा और ना मौत की आगोश में जाएगा। इसका सबूत यही था कि वो 2500 साल से इसी तरह नौजवान का नौजवान और जिंदा चला आ रहा था। उसके सारे साथी एक एक करके बूढ़े होते और मरते चले गए, मगर वो जिंदा और नौजवान था, और खुदा जाने अभी कब तक उसे इसी तरह जिंदा और जवान रहना था। यही वजह थी कि उसके अंदर ताबूत खोलकर मलका सलामू की लाश देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, और उसने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर मोहर को तोड़ते हुए ताबूत का ढकना खोलकर परे रख दिया। ताबूत के ढकने का खुलना था कि कोठड़ी में किसी जानवर की हैबतनाक चीख बुलंद हुई, और साथ ही किसी औरत के कहके की आवाज आई। अंबर ने ताबूत में देखा। ताबूत के अंदर मिस्र की मलका जालिम मलका सलाम्बू की लाश पड़ी थी। उसके सारे बदन पर सिवाय चेहरे के सफेद पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई थी। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि मलका सलाम्बू की आंखों में हरकत थी। वो अंबर की तरफ अपने डेले बार बार घुमाकर देख रही थी। अंबर जिंदगी में पहली बार यह हैरत अंगेज मम्मी देख रहा था। उसने आज तक जितनी भी मम्मियां देखी थी वो सब की सब लाशें थी, मुर्दा थी। ये पहली मम्मी की लाश थी जो जिंदा थी और जो उसकी तरफ डेले घुमाकर बड़ी मकारी से देख रही थी। अंबर ने सलाम्बू यानी मलका मिस्र को पहचान लिया, मगर सलाम्बू ने अंबर को नहीं पहचाना। वो पहचान भी नहीं सकती थी क्योंकि अंबर कभी उससे मिला नहीं था। अंबर को महसूस हुआ कि कहका सलाम्बू की लाश ने लगाया था। सलाम्बू की लाश के चेहरे पर एक ताज्जुब सा जरूर था। वो हैरान थी कि उसे देखकर इस अजनबी नौजवान को खौफ क्यों नहीं आया, इसे गश क्यों नहीं आया। और कुछ नहीं तो कम से कम इसे बेहोश हो जाना चाहिए था। ये किस किस्म का नौजवान है। अंबर सलाम्बू की लाश को मुसलसल देख रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, क्या तुम मिस्र की मलका सलाम्बू हो। सलाम्बू की लाश ने कहका लगाया और बोली, तुम तारीख के तालिब इल्म मालूम होते हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो अब तुम मेरे गजब से बच नहीं सकोगे। मैं इस शख्स का इंतजार कर रही थी जो यहाँ आए और मेरे ताबूत का ढकना उठाए ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ और सबसे पहले उसी शख्स को खा जाऊँ। मैंने 2500 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। मैं 2500 साल से किसी इंसान के खून और गोश्त की भूखी थी। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं अभी तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ताबूत का ढकना खुलते इस तहखाने का दरवाज़ा अपने आप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। दरवाज़ा पत्थर बन गया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर मुस्कुराता रहा और सलाम्बू लाश की तरफ देखता रहा। सलाम्बू ने गुस्से में आते ही अपनी आंखें घुमाकर कहा, तुम हंस रहे हो। अभी तुम्हें अपनी तकदीर पर रोना आएगा। अभी तुम्हारी आंखों से खून की नदियां बहेंगी। तुम एक मामूली से नौजवान हो। अगर इस दुनिया का कोई पहलवान भी तलवार उठाकर मुझ पर पूरी ताकत से मारे तो भी मैं नहीं मर सकती। तो अब कभी नहीं मरूंगी मैं। मैंने एक चिल्ला किया है, उसका असर उल्ट हो गया। जिस सिपा सलार ने मुझे जहर दिया था उस जहर ने मेरे चिल्ले को उल्ट कर दिया। मैं मर गई मगर अब फिर जिंदा हो गई और अब कभी नहीं मरूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी ताबूत से बाहर निकलकर तुम्हें हड़प कर जाऊंगी। मैं जिस रूप में चाहे अपने आप को बदल सकती हूँ।
मैं हाथी बन सकती हूँ, मैं शेर बन सकती हूँ, मैं अजदहा बन सकती हूँ, मैं तुम्हें शेर बनकर खा जाऊंगी। अंबर सलाम्बू की लाश की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। सलाम्बू की लाश से बर्दाश्त ना हो सका कि एक नाजुक सा नौजवान उसके ऊपर खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने ताबूत में लेटे लेटे एक हाथ उठाकर अपने दिल पर रखा और गहरा सांस लिया, फिर जुबान से कहा, शाह कुलजमात। इतना कहना था कि ताबूत में से सलाम्बू की जगह एक खूनखार किस्म का ताकतवर शेर अंगड़ाई लेकर उठा और उछलकर ताबूत से बाहर आ गया। अंबर जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो भी अब भी शेर की तरफ देखकर हंस रहा था। शेर को तैश आ गया, वो जोर से धाड़ा और उसने अंबर पर हमला कर दिया। वो उछलकर अंबर की तरफ झपटा और फिर पूरी भरपूर ताकत के साथ इस जोर का पंजा अंबर के सर पर मारा कि कोठड़ी की फिजा गूंज उठी। उसकी जगह अगर किसी दूसरे आदमी की खोपड़ी होती तो उसका कहीं पता न चलता, लेकिन हुआ यह कि शेर तड़प कर दूर जा गिरा। उसका पंजा गोया किसी पत्थर से टकराया। शेर ने दूसरी बार फिर लपक कर हमला किया। इस बार शेर ने अंबर के सर को गर्दन तक अपने मुंह में ले लिया और जोर से चबाया। फिर शेर ने चीख मारकर अंबर को छोड़ दिया। उसके दांत बड़े ही सख्त पत्थर से टकराकर अपनी जगह से हिल गए। शेर झिंझलाकर जोर से धड़ा। उसने अंबर से पर झपटकर उसे भंबोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खुद ही जख्मी हो गया। उसके पंजों और दांतों से खून बहने लगा। अंबर का तो कुछ नहीं बिगड़ा था, वो लोहे की चट्टान बनकर अपनी जगह खड़ा था। शेर उसे अपनी जगह से जरा सा भी हिला न सका। आखिर अंबर ने मुस्कुराते मुस्कुराते एक हाथ जोर से शेर की गर्दन पर मारा। शेर लुड़खड़ा था, दीवार के साथ जोर से टकराया और फिर घबरा कर ताबूत में कूद गया। ताबूत में जाते ही वो फिर सलाम्बू की लाश बन गया। अब सलाम्बू की लाश के बोलने का वो अंदाज नहीं था जो पहले था। लाश ताबूत में उठकर बैठ गई और अंबर के आगे सर झुकाकर बोली, तुम जीत गए, मैं हार गई। अगर मुझे पहले खबर होती कि मेरा मुकाबला एक बड़े जबरदस्त और ताकत वाले इंसान से है तो मैं कभी तुम्हारे सामने बड़ा हांकने की जरूरत ना करती। मगर खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर ये ताकत आई कहां से कि तुम पर मौत असर नहीं करती। अंबर ने ताबूत के चबूतरे पर लाश के करीब बैठते हुए कहा, मलका सलाम्बू, मेरा नाम अंबर है। मैं आज से 2500 बरस पहले मिस्र के एक मशहूर फिरौन के महल में पैदा हुआ, मगर मुझे एक साजिश की वजह से दरियाए नील में पैदा होते ही बहा दिया गया। मेरी छोटी सी कश्ती को एक मल्लाह ने पकड़ा, वो मुझे उठाकर घर ले गया। मैंने उसी घर में परवरिश पाई। जब मेरा बाप मरने लगा तो उसने मुझे बताया कि मैं असल में फिरौन मिस्र का बेटा हूँ। उस वक्त तक मेरा फिरौन बाप मर चुका था और मेरी माँ ने दूसरे फिरौन के रहमो करम पर जिंदगी बसर कर रही थी। ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। मैं अपनी माँ को लेकर महल से निकला तो एक साजिश का शिकार हो गया। जंगल में एक दरवेश से मुलाकात हुई, उसने मुझे खुदा की मोहब्बत सिखाई। फिर एक जगह पर मुझे एक बददुआ दी गई या दुआ, और मैं हमेशा के लिए जिंदा हो गया। मैं उस वक्त से लेकर आज तक जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं और ना ही मौत मेरी किस्मत में है। मैं हर दौर से गुजरा हूँ। मैंने तुम्हारा दौर है हुकूमत भी देखा है मलका सलाम्बू, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें तुम्हारे वजीर ने जहर देकर मार डाला था। मलका सलाम्बू की लाश ने अंबर की आपबीती सुनी तो हैरान हुई। उसने कहा, अंबर, तुम्हारी सच्ची आपबीती ने मुझे बड़ा मुतासर किया। मैं भी हमेशा के लिए जिंदा हो गई, मगर मैं मर कर जिंदा हुई हूँ और लाश बनकर क्यामत तक जिंदा रहूंगी। एक जिंदा इंसान की शक्ल में जिंदा नहीं रह सकती, मगर तुम एक चलते फिरते इंसान की शक्ल में जिंदा हो। तुम मुझसे बड़े हो, मैं तुम्हें अपना भाई बनाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वह मैं तुम्हें ला कर दूंगी, क्योंकि मैं काले इल्म का चिल्ला काट रही हूँ और इस इल्म के जरिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, अच्छी बहन सलाम्बू, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे अपना भाई बनाया। मेरी एक बहन मारिया भी है जो मुल्क जापान के शहर क्यूशो में है। मैंने उसे अपने भाई नाग के पास बादशाह क्यूशो के महल में छोड़ा था। गद्दार वजीर ने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे रस्सियों में जकड़कर दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक बहरी डाकुओं के जहाज वालों ने मुझे उठाया और अपना कैदी बना लिया। वो मुझे कत्ल करने लगे, मगर मेरी ताकत उन पर जाहिर हो गई। उन्होंने मुझे एक बंदरगाह पर उतारा, वहां से एक जहाज में बैठकर हबशा के मुल्क में आ गया और वापस जापान जाने वाले जहाज का इंतजार कर रहा हूँ कि इस पुरिसरार मकान के करीब से गुजरा। न जाने क्यों मेरे दिल में इस मकान के अंदर जाने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई और मैं अंदर चला आया। मलका सलाम्बू ने कहा, मगर अंदर आने के सारे दरवाजे बंद थे, तुम काए कहां से? अंबर बोला, मैं इस मकान की छत वाले रोशनदान की सीढ़ी से अंदर आया। हाँ, ये बताओ कि ये सीढ़ी किसने रोशनदान के साथ लटका रखी है? सलाम्बू कहने लगी, इसका राज भी तुम पर खुल जाएगा। मेरे ताबूत को एक मकार और लालची डाकू अहराम से निकलकर यहाँ ले आया। उसने मेरे ताबूत में मेरे साथ दफन किया हुआ सारा सोना और हीरे जवाहरात चुरा लिए और अब वो मेरे जिस्म के साथ लिपटी पट्टियां भी उतारना चाहता है। मैं ये सब कुछ देखती रही, मगर मजबूर थी इसलिए कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किसी आम आदमी के ताबूत खोलने से मैं जिंदा नहीं हो सकती थी। ये राज भी अब मालूम हुआ कि मेरे ताबूत को सिर्फ वही शख्स खोलकर मुझे जिंदगी बख्श सकता था जो खुद हजारों बरस से जिंदा हो।
और जिस पर मौत हराम हो चुकी हो, ये तुम ही थे। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अंबर ने पूछा, तो क्या वो डाकू आज आ रहा है? उसी डाकू ने रोशनदान के साथ सीढ़ी लटका रखी है। वो इसी सीढ़ी के जरिए नीचे उतरकर मेरे ताबूत के पास आता था। वो मेरे हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता। वो आज मेरी लाश की रेशमी पट्टियां चुराने आएगा। उसे यही मालूम होगा कि मैं मर चुकी लाश हूँ, मम्मी हूँ। मैं जिंदा रहूंगी लेकिन मैं जानबूझकर लाश बनी रहूंगी, ताबूत में लेटी रहूंगी। आगे तुम यहाँ किसी जगह छुप कर देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। हाँ, ये बताओ अंबर कि तुम यहाँ किस जगह ठहरे हो? अंबर ने कहा, मैं एक जंगल में रहता हूँ। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? नहीं, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। असल में वो एक जादूगर की झोंपड़ी थी। उस जादूगर ने मुझे हलाक करके मेरा खून पीने की कोशिश की मगर खुद मारा गया। अब मैं उसकी झोंपड़ी में बैठा जापान की तरफ जाने वाले जहाज की राह देख रहा हूँ। अभी वो बातें कर रहे थे कि उन्हें बाहर वाले कमरे में खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सलामो की लाश ने कहा, वही डाकू आ रहा है, तुम कहीं छुप जाओ। वो मुझे लाश समझेगा, आज उसकी मौत उसे मेरे पास बुला रही है। जल्दी करो, वो आ रहा है। अंबर जल्दी से कोठलियों में पत्थरों की एक आगे को बड़ी हुई दीवार के पीछे छुप गया। वो इसी तरह छुपा था कि जरा सा चेहरा आगे निकालकर ताबूत को साफ देख रहा था। सलामो की लाश जो कि ताबूत के अंदर अंदर बैठी थी, चित लेट गई। बाहर आने वाले कमरे में किसी के कदम की बोझल आवाज कोठली की तरफ बढ़ रही थी। अंबर सांस रोककर खामोश खड़ा रहा। कोठली की दीवार के पत्थर एक तरफ हटे और एक साया अंदर दाखिल हुआ। उस साये ने मुंह सर लपेट रखा था। वो ताबूत के करीब आकर आसपास नजरें घुमाकर देखने लगा। यूं लगा जैसे उसे शक पड़ गया हो कि अंदर कोई है। अंबर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, इतनी आहिस्ता कि खुद उसे भी अपने सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। डाकू का साया अब सलामो की लाश पर झुक गया। शायद झुक कर लाश की रेशमी पट्टियां उतारने की कोशिश कर रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में बादशाहों और मलकाओं की लाशों को रेशमी पट्टियों की बड़ी कदरों कीमत थी और सोने के भाव बिकती थी। खुदा जाने सलामो की लाश क्या सोच रही थी। डाकू उस पर झुका हुआ था कि अचानक उसकी दर्दनाक चीख की आवाज फिजा में गूंजी। अंबर जल्दी से दीवार के पीछे से निकल आया। क्या देखता है कि डाकू की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई है। सलामो की लाश ने अपने दोनों बाजुओं से डाकू को दबोच रखा है और अपना मुंह डाकू की गर्दन से लगा रखा है। कोठली में गहरी खामोशी छाई थी। साफ लग रहा था कि डाकू खौफ से मर गया है। कोठली की खामोशी में अंबर को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जानवर की लाश डाकू की गर्दन में अपने दांत गड़े उसका खून पी रही थी। अंबर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा यह मकरूह मंजर देखता रहा। वो जिंदगी में पहली बार किसी मिस्री मम्मी की लाश को जिंदा इंसान का खून पीते हुए देख रहा था। सलामो की लाश ने शायद डाकू के जिस्म का सारा खून चूस चूस कर पी लिया था। जब उसने लाश को छोड़ा तो वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। डाकू मर चुका था। अंबर सलामो के पास गया तो सलामो की लाश के सफेद होंठ खून में लथड़े और मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट बड़ी डरा देने वाली थी। अंबर की जगह कोई दूसरा होता तो डर कर भाग जाता या बेहोश होकर लाश के ऊपर ही गिर पड़ता, लेकिन अंबर के दिल से खौफ हमेशा के लिए दूर हो चुका था। अंबर ने सलामो से पूछा, तुमने डाकू का सारा खून पी लिया सलामो? सलामो के खून आलूद होंठ मुस्कुरा रहे थे। हाँ अंबर, मैं अब इंसानी खून पी कर ही जिंदा रह सकती हूँ। अंबर कांप कर रह गया। अंबर ने सलामो की लाश से पूछा, सलामो क्या तुम क्यामत तक इसी ताबूत में लेटी रहोगी? हाँ, अगर मैं जिंदा ना होती तो सारी उम्र इसी ताबूत में लेटी रहती, लेकिन अब मैं जिंदा हो गई हूँ। अब मैं इस ताबूत में ही नहीं बल्कि बाहर भी निकल सकती हूँ। अंबर ने कहा, लेकिन अगर तुम बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हें लाश देखकर तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, फिर तुम्हें बड़ी परेशानी होगी, क्या करोगी? सलामो की लाश ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हें मेरी खुफिया ताकत का भी इल्म नहीं हुआ जो मुझ में अब पैदा हुई। वो कौन सी ताकत सलामो? वो ये है कि मैं जिस वक्त चाहे गायब हो सकती हूँ और जिस वक्त चाहूँ फिर से जाहिर हो सकती हूँ। अंबर ये सुनकर हैरान हुआ। ये तो उसकी बहन मारिया से भी आगे बढ़ गई। उसमें तो इतनी ताकत नहीं कि वो जहाँ चाहे जाहिर हो जाए। वो तो सिर्फ बेचारी जादू के जोर से गायब कर दी गई। वो अगर चाहे भी तो जाहिर नहीं हो सकती, लेकिन सलामो के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो जब चाहे और जिस वक्त चाहे गायब हो सकती है और जहाँ चाहे जाहिर हो सकती है। उसने हैरत से कहा, सलामो बहन, ये तो बड़ा कमाल है तुम्हारा। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे अंदर कैसी कैसी ताकतें पैदा हो गईं। सलामो कहने लगी, हाँ मेरे भाई, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर तुम यहाँ आकर मेरे ताबूत का ढकना ना उठाते तो मेरे अंदर कोई मामूली सी ताकत भी पैदा नहीं हो सकती थी। ये सब तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और क्यामत तक मैं तुम्हारे एहसान को नहीं भूलूंगी। अंबर ने कहा, अगर ये बात थी तो तुमने शेर बनकर मुझ पर हमला क्यों किया था? सलामो हंस दी और बोली, प्यारे भाई, उस वक्त मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि तुम ही वो शख्स हो जो 2500 बरस से जिंदा चले आ रहे हो। मैं फिर से जिंदा होने की खुशी में ये भूल गई कि जिस शख्स के ढकना खोलने से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी वही होगा जो 2500 बरस से जिंदा होगा। लेकिन जब तुम मेरे हमले से बच गए और मर ना सके तो मैं लरज उठी और मुझे ख्याल आया कि तुम तो मुझ पर एहसान करने वाले हो,
तुमने ही मुझे ज़िंदगी बख्शी है और मेरे अंदर की ताकतों को जगाया है। फिर मैंने तुमसे माफ़ी मांगी और अब मैं एक बार फिर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अंबर ने कहा, नहीं नहीं सनाबू, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। हाँ एक बात पूछूँ? ज़रूर पूछो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, हर बात सच सच बताऊँगी। अंबर ने पूछा, क्या तुम हर रोज़ एक इंसान का खून पिया करोगी? नहीं अंबर, ऐसा नहीं। मैं रोज़ाना एक बकरे, गाय, भैंस या गीदड़ और लोमड़ का खून पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की या कोई तुम्हारा दुश्मन हुआ तो मैं उसका खून बड़े शौक से पीऊँगी। मैं किसी बेगुनाह या नेक आदमी को कभी तंग नहीं करूँगी। क्या डाकू सिर्फ तुम्हारी चीख सुनकर बेहोश हुआ था? सलामू ने कहा, हाँ अंबर, इंसान, गीदड़, लोमड़ या बकरे को देखकर उसका खून पीने से पहले मैं एक चीख मारा करूँगी जिसको सुनते ही वो बेहोश हो जाया करेगा, फिर मैं बड़े मज़े से उसका सारा खून पी जाऊँगी। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें खून पीना बुरा नहीं लगता? सलामू जोर से कहका मारकर हंस पड़ी। अंबर, मैं एक मुर्दा लाश हूँ जो जिंदा हो गई, तुम मुझे जिंदा इंसान ना समझो। मुर्दा लाश के लिए किसी इंसान या जानवर का खून पीना कोई बुरी बात नहीं, उसके जिस्म को हाथ लगाकर छुआ जा सकता है, जबकि सलामू की लाश को गायब हालत में बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता। वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी, उसे सलामू की आवाज़ सुनाई दी। क्यों अंबर, अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं गायब हो सकती हूँ? हाँ सलामू, मुझे यकीन आ गया, तुम वापस आ जाओ। और सलामू आ गई। उसकी लाश दोबारा ताबूत के अंदर जाहिर हो गई। वो उसी तरह ताबूत के अंदर लेटी थी और अंबर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अंबर ने कहा, सलामू, मैं तुम्हारी ताकत को मान गया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम गायब होकर दोबारा वापस आ सकती हो। सलामू ने कहा, मेरे भाई, तुमने मुझे हमेशा की जिंदगी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे जिस मुल्क में जब और जहाँ चाहोगे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगी और मुझसे जितनी भी तुम्हारी मदद हो सके करूंगी, जो मेरे इख्तियार में हुआ करूंगी। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मैं 2,500 बरस से जाग रही हूँ, आज 2,000 साल बाद मैं आराम करूंगी और सोऊंगी। अंबर ने कहा, तुम आराम करो सलामू, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे वादे को याद रखूंगा। अगर ज़िंदगी में मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई और तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूंगा और मैं ज़रूर तुम्हारी मदद को पहुँचूँगी। लेकिन सलामू, मैं तुम्हें बुलाऊँगा किस तरह? ये बस ये आखिरी बात बता दो, तुम सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ देना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अच्छा सलामू, शब बखैर। सलामू ने नींद भरी आवाज़ में कहा, शब बखैर। उसको नींद आ रही थी, उसकी आंखें जो 2,000 सालों से खुली थी बेख्वाब थी, नींद की वजह से बोझल होने लगी। फिर उसने आंखें बंद कर ली और वो गहरी नींद सो गई। अंबर ने इससे पहले कभी मुर्दा लाश को सोते हुए नहीं देखा था, आज उसके सामने गहरी लाश नींद में खोई थी। उसे बड़ा अजीब लगा, यही कि एक लाश जिंदा होती है, उससे बातें करती है, शेर के रूप में आती है, फिर एक आदमी का उसकी आंखों के सामने खून पीती है, फिर गायब होकर दोबारा आती है और फिर सो जाती है। डाकू की बेजान मुर्दा लाश मम्मी सलामू के चबूतरे के पास फर्श पर पड़ी थी। अंबर ने उसे उठाने की ज़रूरत महसूस ना की, क्योंकि उसे पता था कि ये लाश अपने गल सड़ कोठरी के अंदर ही मिट्टी बन जाएगी। अंबर बड़ी खामोशी से आगे बढ़ा। सलामू बड़े सुकून के साथ गहरी नींद सो रही थी। अंबर ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया और दीवार के शिगाव में से बाहर निकलकर मकान के बड़े कमरे में आ गया। यहाँ रस्सी की सीढ़ी उसी तरह लटक रही थी। वो सीढ़ी चढ़ने लगा और रोशनदान में से निकलकर मकान की छत पर आ गया। यहाँ से वो दरख्त की शाखों में से होता हुआ ज़मीन पर उतर आया। शाम के साए गहरे हो रहे जा रहे थे और मकान के वीरान बाग के दरख्तों तले अंधेरा छाने लगा। अंबर जब उस मकान में दाखिल हुआ तो उसे हरगिज़ यकीन नहीं था कि जब वो मकान से बाहर निकलेगा तो मिस्र की एक 2,000 पुरानी मम्मी सलामू के बारे में इतनी ढेर मालूमात लेकर उससे मिलकर बातें करके और उसकी पुरिसरार खुफिया ताकतों का तमाशा देकर बाहर निकलेगा। उसने जंगले को फांदा और बाहर तालाब के किनारे आ गया। यहाँ से होकर उस गली में आ गया जो आगे चलकर हबशा के छते हुए बाजार में निकलती थी। उस बाजार में दुकानों पर रोशनी हो रही थी, दुकानें सजी थीं और लोग बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कहवा खानों के बाहर अफ्रीकी और सूडानी बाशिंदे लकड़ी के बेंचों पर बैठे कहवा पी रहे थे और बड़ी गमजोशी से बातें कर रहे थे। अंबर का दिल कहवा पीने को चाहा, वो एक कहवा खाने के बाहर खाली बेंच पर बैठ गया। एक अफ्रीकी गुलाम ने झुक कर पूछा, आका, कहवा हाजिर करूँ? हाँ। गुलाम कहवा की प्याली अंबर के सामने रखकर चला गया। अंबर बड़े सुकून से कहवे के हल्के हल्के घूंट पीते हुए सलामू की जिंदा लाश के बारे में सोचने लगा। इतने में एक बूढ़ा हबशी वहां आया। वो परेशान था और कहवा पीने वाले लोगों में से किसी खास आदमी को तलाश कर रहा था। आखिर वो एक मोटी गर्दन वाले यहूदी के पास झुककर बोला, आका, मेरी बेटी मर रही है, उसकी बुरी हालत है, देवता तुम पर मेहरबान हो, मेरे साथ चलकर मेरी बच्ची की जान बचा लो, तुम हकीम हो, तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं बचा सकता। मोटी गर्दन वाले यहूदी ने बड़ी नफरत से कहा, बूढ़े गुलाम, तुम मुझसे इलाज नहीं करा सकते, मैं किसी का इलाज सोने के 1,000 सिक्के लेकर करता हूँ, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? बूढ़े अफ्रीकी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूँ आका, मेरे पास बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती है, मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर खिदमत करूंगा, लेकिन चलकर मेरी बेटी की जान बचाओ।
यहूदी ने उसे ठोकर मारकर परे गिरा दिया। भाग जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। बूढ़ा अफ्रीकी फर्श पर गिरा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंबर को बड़ा गुस्सा आया। वो उठकर मोटे यहूदी के पास गया और बोला, तुम्हें एक दुखी और गरीब बूढ़े के साथ ऐसा सलूक करते शर्म नहीं आती? यहूदी ने गुर्रा कर कहा, अगर तुम्हें इस पर तरस आता है तो तुम ही जाकर इसकी बेटी का इलाज कर लो ना। बरखुरदार, इसकी बेटी के जिस्म से सारा खून निकल चुका है, वो कोई दम की मेहमान है, वो भी मर जाएगी। अंबर ने कहा, अब मैं उसका इलाज करूंगा, वो कभी नहीं मरेगी। तुम सुबह उसे भली चंगी फिरते हुए देखोगे। फिर अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी से कहा, चलो बाबा मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं चलकर तुम्हारी बेटी का इलाज करूंगा। बूढ़ा अफ्रीकी बड़ी हैरानी से अंबर का मुंह देखने लगा। उसे डूबते को तिनके का सहारा हो गया। उसे यकीन नहीं था कि एक नौजवान सा लड़का उसकी मरती हुई बच्ची का इलाज करके उसे फिर से जिंदगी बख्श देगा। लेकिन मरता क्या ना करता, वो अंबर को लेकर अपने घर आ गया। बूढ़े अफ्रीकी का घर शहर के अंदर एक बड़ी गंदी और गरीब सी जगह पर था। एक कोठड़ी का कच्चा मकान था जिसके अंदर मट्टी का दिया जल रहा था। तख्ते पर एक बेहद कमजोर और दुबली पतली अफ्रीकी लड़की पड़ी थी, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। यहूदी के कहने के मुताबिक उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं था। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी, उसका मुंह खुला था, आंखें बंद थी। वो ना बोल रही थी और ना कुछ सुन रही थी। अंबर ने उसकी नब्ज पर हाथ रखा, उसकी नब्ज डूब रही थी। नब्ज की धड़कन बहुत सी हल्की महसूस हो रही थी। बूढ़े अफ्रीकी बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं से प्याज और हल्दी पैदा कर सकते हो? हाँ मेरे बच्चे, घर में थोड़ी हल्दी और प्याज की एक गट्ठी मौजूद है, जल्दी से ला दो मुझे। बूढ़ा अफ्रीकी उसी वक्त प्याज और हल्दी ले आया। अंबर ने प्याज को कूटकर उसमें हल्दी मिलाई, फिर जेब में से एक छोटी सी नीले रंग की शीशी लेकर उसमें से एक सुर्ख रंग का एक सबूब निकालकर उसमें मिलाया और उसका लेप लड़की के माथे पर कर दिया। लेप करने के थोड़ी देर बाद लड़की का उकड़ा उकड़ा सांस एकदम ठीक हो गया, उसकी नब्ज दुरुस्त हो गई, बुखार भी कम हो गया और लड़की ने आंखें खोल दी। बूढ़े अफ्रीकी ने अपनी बच्ची को मौत के मुंह से बाहर आते देखा तो अंबर के आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरे बेटे, तुम तंदुरुस्ती का फरिश्ता बनकर मेरे घर में आए हो, तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह से बचाया। अफ्रीकी लड़की ने बड़ी बड़ी पलकें उठाकर अपने बाप और अंबर को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, बाबा मैं कहाँ हूँ? बूढ़े बाप ने बड़ी शफकत से बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम अपने घर में हो बच्ची। लड़की ने कहा, मैं जिंदा हूं ना बाबा? हाँ बेटा, तुम जिंदा हो। इस नौजवान ने तुम्हारा इलाज करके तुम्हें फिर जिंदा कर दिया। तुम्हें इस नौजवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लड़की ने एहसान भरी नजरों से अंबर की तरफ देखा और कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अंबर ने कहा, नहीं बहन, मैंने अपना फर्ज अदा किया, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज मौजूद था, वो मैंने कर दिया। अब तुम ठीक हो, फिर ये बुखार तुम्हें कभी नहीं चढ़ेगा। फिर अंबर ने उसके बाप से कहा, बाबा तुम इस शहर में क्या करते हो? इस लड़की की माँ कहाँ है? बूढ़े अफ्रीकी ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है बेटा। ये छोटी थी कि इसकी माँ मर गई, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ कि ये अब जवान होगी तो इसकी शादी ना कर सका। वो क्यों बाबा, शादी में क्या रुकावट है? अंबर के पूछने पर बूढ़े अफ्रीकी ने कहा, मेरे बच्चे, जिस लड़के के साथ मेरी बच्ची की शादी हुई थी वो इस शहर के सबसे बड़े दौलतमंद जागीरदार के महल में जर खरीद गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। उसको इतनी इजाजत नहीं कि वो जागीरदार के महल से बाहर निकले या अपनी शादी रचा सके। जागीरदार बड़ा जालिम इंसान है, उसने कह रखा है कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें काले पानी भेजकर तुम्हारी बीवी को कत्ल करवा दूंगा। अंबर ने कहा, कमाल है, ये जागीरदार तो बड़ा ही संगदिल आदमी लगता है। हाँ बेटा, वो बड़ा संगदिल है, उसके आगे हुक्म के आगे कोई दम नहीं मार सकता। बादशाह का वजीर उस जागीरदार का भांजा है। वजीर की शह पर वो शहर में मनमानी करता फिरता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं, और फिर मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि उसने मेरी बच्ची के होने वाले खामन को मंडी में ख़रीदा है और उस शहर के कानून के मुताबिक जो चाहे सलूक उसके साथ कर सकता है। अंबर ने कहा, बाबा तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो वो मुझे बताओ। बूढ़े अफ्रीकी ने गमगीन आवाज़ में कहा, मैं क्या और ख्वाहिश कर सकता हूँ बेटा, होगा तो वही जो जागीरदार चाहेगा। अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा तुम घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, यही ना कि तुम्हारी बच्ची की शादी उसके मंगेतर से हो जाए? हाँ बेटा, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जागीरदार लड़के को महल से कभी निकलने नहीं देगा। अगर उसने महल से भागकर शादी कर भी ली तो जागीरदार दोनों को ख़त्म कर देगा। अंबर ने कहा, बाबा मैं ये शादी करवा सकता हूँ। बूढ़े अफ्रीकी के खुशी और हैरानी से अंबर की तरफ देखा, भला ये दुबला पतला नौजवान कैसे एक जालिम जागीरदार का मुकाबला करेगा? उसने कहा, मेरे बच्चे, तुम नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कैसे बना सकते हो? तुम क्यों खामखा अपनी जान मुसीबत में फंसाते हो? मेरी बच्ची की किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुमने हम पर यही एहसान क्या कम किया कि मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया? अंबर ने कहा, सुनो बाबा,
जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक ठीक और सच सच कह रहा हूँ। मैं लड़के को जागीदार के महल से ले आऊँगा और इन दोनों की शादी भी करवा दूँगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें इन दोनों को इस मुल्क से बाहर भेजना होगा ताकि जागीरदार के ग़ुलाम और सिपाही मेरे बाद तुम्हारी बेटी और दामाद के खिलाफ कोई कदम ना उठा सकें, क्योंकि इस शहर में सारी उम्र नहीं रह सकता। अंबर की बातें लड़की भी गौर से आंखें बंद किए सुन रही थी। उसने अंबर के इस आखिरी जुमले पर कहा, भाई ये बताओ कि तुम मेरी मदद किस तरह कर सकते हो, तुम किस तरकीब से मेरे मंगेतर को जागीरदार के भयानक महल से यहाँ ला सकते हो। अंबर ने कहा, यह बात मुझ पर छोड़ो मेरी बहन, क्या तुम शादी के बाद अपने बाबा और खावन के साथ ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर खुशी से आबाद हो सकती हो। लड़की ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी से पूछा, क्यों बाबा, क्या तुम भी तैयार हो। बूढ़ा बोला, अगर किसी तरह तुम गुलाम लड़के को जागीरदार के महल से बाहर निकाल कर हमारे पास ला दो तो हम तीनों यहाँ से अमरान के शहर में चले जाएंगे, जो यहाँ से एक रात के सफर पर है। वहाँ मेरा बेटा एक कोतवाले शहर का चौकीदार है, वहाँ हम बड़े अमन के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। अमरान शहर में इस शहर का कानून लागू नहीं होता। अंबर ने कहा, ठीक है, आज आधी रात को तुम्हारा होने वाला दामाद अपने आप महल से निकलकर इस घर में मौजूद होगा, फिर तुम लोग जिस तरफ चाहे यहाँ से निकल जाना। अब मैं जाता हूँ, सुबह हाजिर होऊंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम कहाँ रहोगे, इस गरीब के घर में रात बसर क्यों नहीं कर लेते। अंबर ने कहा, नहीं बाबा, मेरा अपने घर जाना जरूरी है, मैं सुबह आऊँगा, फिक्र न करो, आधी रात को तुम्हारा मंगेतर यहाँ मौजूद होगा, उसने लड़की से कहा। अंबर चला गया। बूढ़ा अफ्रीकी अब उसे गली के बाहर तक छोड़ने आया। जंगल वाले झोंपड़े पहुंचकर अंबर ने पहला काम किया कि आंखें बंद करके सलामू की लाश को याद किया और फिर उसे आवाज दी, सलामू मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरी मदद करवाओ। अभी उसने अपना जुमला खत्म किया था कि फिजा में परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और पलक झपकने में सलामू की मम्मी उसके सामने खड़ी थी। अंबर सलामू के वादे को आजमाना भी चाहता था। सलामू की लाश को अपने सामने देखकर अंबर बड़ा खुश हुआ कि सलामू ने जो कहा था वो कर दिखाया। सलामू ने पूछा, अंबर भाई मुझे किस लिए याद किया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, सलामू बहन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी, बात असल में यह है कि एक गरीब बाप की बच्ची बड़ी मुसीबत में है। सलामू ने कहा, उसकी मुसीबत मुझे बयान करो। अंबर ने सारी बात बयान की। सलामू ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, आज आधी रात को अफ्रीकी लड़की का मंगेतर उसके घर में होगा। अंबर ने कहा, लेकिन सलामू बहन तुम्हें एक और तकलीफ करनी पड़ेगी। वो क्या अंबर। वो ये कि लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास घोड़े भी नहीं कि अमरान शहर को भाग कर जा सके, तुम्हें दो घोड़े भी वहां लाकर देने होंगे। फिक्र ना करो, ऐसा होगा, उन लोगों को जिस जिस चीज की जरूरत होगी वो उनके पास आधी रात के बाद मौजूद होगी। सलामू चली गई और अंबर अगली सुबह तक के लिए सो गया। आधी रात से कुछ देर पहले बूढ़ा अफ्रीकी और उसकी बच्ची घर में जाग रहे थे। लड़की का बुखार उतर चुका था और वो बिल्कुल अच्छी भली हो गई। वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि अंबर ये काम कर दे, वो तो एक दुबला पतला सा नौजवान है, बेचारा हमारा दिल बहलाकर चला गया, भला कहाँ वो जालिम जागीरदार के महल से हमारे बच्चे को यहाँ से निकाल कर लाएगा। लड़की ने कहा, नहीं बाबा, चाहे तुम जो कहो, मेरा दिल कहता है कि वो लड़का ये काम ज़रूर करेगा और मेरा होने वाला खावंद यहाँ पहुँच जाएगा। इतने में आधी रात हो गई, अचानक दरवाजे का पट खुला और बूढ़े का होने वाला दामाद वहाँ आ गया। बूढ़ा अफ्रीकी और लड़की उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गए। लड़के ने कहा, बाबा मैं यहाँ कैसे आ गया। बूढ़े ने कहा, बेटा ये बात हम तुझसे पूछने वाले थे। लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैं बताओ कि तुम जागीरदार के महल से यहाँ कैसे पहुँच गए। गुलाम लड़के ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं घोड़ों के अस्तबल में सोया था कि किसी ने मेरा कंधा जोर से झंझोड़ा, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, फिर किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रखकर मुझे कंधे से पकड़कर बाहर खींचा, फिर मैं हवा में उड़ रहा था और एकदम से किसी ने इस गली के बाहर मकान के दरवाजे पर उतार कर रख दिया। और तुम ये सुनकर भी हैरान होगे कि इस वक्त मकान के बाहर तीन घोड़े भी मौजूद हैं। बूढ़ा अफ्रीकी और लड़की दंग रह गए। वो जल्दी से बाहर आए, सचमुच मकान के आगे तीन बड़ी आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। एक घोड़े के ऊपर गठड़ी रखी थी, उन्होंने गठड़ी उठाकर खोली तो क्या देखते हैं कि अंदर अशरफियों की थैली, खाने पीने का सामान और तीन जोड़े पोशाक के हैं। वो ये सब कुछ लेकर मकान के अंदर आ गए। बूढ़े ने अंबर का सारा वाकया गुलाम लड़के को सुनाया और कहा, उस नौजवान ने अपनी बात सच कर दिखाई, पहले उसने मेरी बच्ची को अच्छा किया और अब तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया, बल्कि घोड़े भी साथ लेकर दिए और ये पोशाकें और सोने के अशरफियों से भरी हुई थैलियाँ भी दीं। अब हम अमरान शहर में जाकर सारी उम्र आराम से बसर कर सकते हैं। इतने में दरवाज़ा खोलकर अंबर भी आ गया। मैं इसलिए जल्दी आ गया बाबा कि तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही जब जागीरदार को मालूम होगा कि गुलाम गायब है तो वो इसकी तलाश में आदमी दौड़ाएगा। अगर तुम लोग इसी वक्त निकल जाओ तो सुबह होने तक इमरान शहर के करीब पहुँच चुके होगे, फिर तुम्हें कोई कुछ ना कह सकेगा।
बूढ़े अफ्रीकी ने अंबर को गले लगाकर उसका माथा चूमा। उसने अपने होने वाले दामाद से कहा, बेटा यही वो नेक दिल नौजवान है जिसने तुम्हें जागीरदार की कैद से आजाद किया, मेरी बच्ची की जान बचाई और अब तुम्हें इतनी दौलत दी कि हम सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। ठीक है अंबर बेटे, हम इसी वक्त यहाँ से निकल जाते हैं। लड़की ने कहा, भाई तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, अगर हम सारी जिंदगी भी तुम्हारे पांव दबाते रहें तो कभी हिसाब पूरा ना हो। अंबर ने कहा, बहन मैंने एक इंसानी फर्ज अदा किया, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, यहाँ से अब तुम नो निकल जाने की तैयारियां करो। गुलाम लड़के ने भी आगे बढ़कर अंबर के हाथ चूम लिए और कहा, मेरे आका आपने ये सब कैसे कर दिखाया, क्या आपके पास जादू है या कोई खुफिया ताकत? अंबर ने कहा, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं, तुमको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम इन लोगों को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ और कोशिश करो कि सुबह होने के बाद दूसरे शहर की फसील में दाखिल हो जाओ ताकि जागीरदार के आदमी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकें। बहुत बेहतर मेरे आका। बूढ़ा अफ्रीकी लड़की और गुलाम लड़का तीनों ने बारी बारी अंबर से हाथ मिलाया और घोड़ों पर सवार होकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। अंबर को बेहद खुशी हुई थी कि उसने एक गरीब बूढ़े की जिंदगी को खुशियों के फूलों से भर दिया था। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।